लिव इन प्रेजेंट एंड प्लान द फ्यूचर। भूतकाल से आप सीखो, भूतकाल में हमने कोई गलती की है तो उससे हमको सीख मिलती है कि दूसरी बार हम नहीं करें। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, और फ्यूचर की प्लानिंग इस तरह करो कि उसकी जो भूतकाल की जो भूल है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, मतलब वो रिपीटेशन नहीं हो। तो क्या होगा कि इससे भूल तो इंसान से ही होती है, परंतु अगर वो भूल को वो इकरार कर ले और इकरार करके उसका प्रायश्चित सदगुरु के पास ले ले, तो वही इंसान जो भूतकाल में शैतान था या अपने आप में उसको एक अनकम्फर्टेबल फील होता था, वही इंसान अगर गुरुदेव के पास इकरार करके अगर प्रायश्चित को ग्रहण करता है तो वही इंसान पूजनीय अथवा परमात्मा भी बन सकता है। भूतकाल में से कई दृष्टांत है, जिस तरह दृढ़ प्रहारी था वो शास्त्र में निषिद्ध ऐसी चार चार हत्या उसने की, चोर लुटारा था वो, तो उसने जो ब्राह्मण ऐसे सामान्य से ब्राह्मण का कोई वध नहीं करता, ऐसी लोकोक्ति है, तो ब्राह्मण का उसने खून किया, स्त्री का उसने खून किया, बच्ची का उसके खून किया और गाय का, इन चारों का खून किया जो वध्य नहीं होते हैं, मतलब जिसको निषेध किया हुआ, इन चारों का भी उसने खून किया, मतलब इतना बड़ा पाप, और चोर लुटेरा था, ऐसे हजारों लोगों को उसने मारा था। तो इस तरह मारने के बाद भी उसका जीवन कितना था, पापमय था। और एक व्यक्ति जिसने एक सामने ये इसको हमने देखा बरोबर, और उसने प्रायश्चित किया, काफ़ी सालों के बाद गुरु भगवान का क्या समागम हुआ और समागम के उसको पता चला कि ये मेरे जीवन में जो मैंने किया है उसका तो मुझे भूतकाल बहुत बड़ा सजा मिलेगी, और उसको रियलाइज़ हुआ और उसने प्रायश्चित किया, तो उसका उसी भव में मोक्ष हो गया। और एक बार जो एक व्यक्ति रुक्मिणी राजकुमारी, उसकी शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके हस्बैंड ऑफ हो गए और वो विधवा हो गई। तो अब क्या करना, तो तप त्याग में उसने अपना जीवन आगे बढ़ाया, और तप त्याग किया उसने, पहले काल में इस तरह नहीं था कि वापस शादी कर लो, तो उसने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया, और इस तरह तप त्याग और ब्रह्मचर्य पालन करते 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 उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गई कि रुक्मिणी नाम की राजकुमारी और वो ब्रह्मचारी है, मतलब उसके ब्रह्मचारी का प्रभाव इतना बड़ा कि आदिवासी के जितने भी शहर गांव थे उस सब शहर गांवों में ये उसकी प्रसिद्धि फैल गई। और उस प्रसिद्धि को सुन के बाजू के एक राजकुमार थे, उनको ऐसा भाव हुआ कि ऐसे व्यक्ति किस काल में, और उसी दरमियान उसके पिता जो थे राजकुमारी के जो पिता, उनका भी देहांत हो गया। अब मंत्रियों ने सोचा कि राज्य का कारभार किसको देना, तो मंत्रियों ने सोचा कि अब लड़का तो उनका है नहीं, तो ये लड़की है उसी को हम राज्याभिषेक करके उसको राजा बना देते। तो इस तरह वो राजा राज्याभिषेक और वो राजा बने, वो कौन, रुक्मिणी राजकुमारी, उसको राजा बनाए। तो अब राजकुमार के समान वो आ गई, अब उसकी प्रसिद्धि सुनने के लिए बाहर गांव से एक राजकुमार वो वहाँ पर उसकी प्रसिद्धि सुन के ऐसे व्यक्ति की हम तो अनुमोदना तो करें, हम सब जाके उसका दर्शन तो करूँ, मतलब जो दुर्लभ चीज़ है जो हर इंसान के लिए इतना ईजी नहीं है, वैसे चीज़ अगर उसके व्यक्ति ने किए तो हमको देखने की इच्छा होती है। और हम क्या देखने जाते हैं, कहीं पर मॉल की ऐड हो और जब हम नहीं गए तो वो देखने की इच्छा होती है, कहीं ऐसा कोई तपस्या का कोई बड़ी बड़ी आराधना का नाम सुने तो हमको जाने की इच्छा होती है, क्योंकि ऐसे नहीं जो चीज़ मल्टीप्लेक्स वगैरह हमने कभी सुना नहीं, ऐसी कोई जगह जहाँ हम घूमने नहीं गए हो और हमने सुना हो, तो हमारी परिस्थिति क्या है, वहाँ जाने की इच्छा होती है कि ऐसा कोई बड़ा तप त्याग आप ही के इस फ्लोर में या आप ही के किसी बाजू में किसी ने मासक्षमण किया हो, किसी ने इस तरह से चौथा व्रत का ग्रहण किया हो, तो ऐसी कोई चीज़ों को सुन के हमारे मन में ऐसे भाव जगते हैं कभी कि नहीं मैं वहाँ जाऊँ और प्रत्यक्ष उनकी अनुमोदना करूँ। और इसी जगह ये सब चीज़ें होती है तो हमारे मन में क्या होता है, इस बार तो जाना है, इस बार तो घूमने हम वहीं जाएंगे, देख के आएंगे तो क्या है कैसा नहीं। तो मतलब हमारी परिस्थिति कैसी है कि पाप के अंदर हमारी रुचि बढ़ती जाती है और धर्म के अंदर हमारी रुचि बढ़ने के लिए हमको जो निमित्त मिलते हैं उस निमित्त को हम स्वीकार नहीं करते, पर यहाँ पर ये जो रुक्मिणी ये जो राजकुमार है वो इनके दर्शन करने के लिए आए, और वहाँ दर्शन करने के लिए वहाँ पर आया और जो राजकुमारी बैठे थे अपने सिंहासन पे, और जैसे उस राजकुमार का एंटर हुआ तो अब वो राजकुमारी की उस राजकुमार से एक सेकंड के लिए या एक मिनट के लिए उसकी नज़र मिल गई, और उसके अंदर उस राजकुमारी के अंदर उसके प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर एक प्रकार का राग उसको एक मिनट के लिए, फिर बाद में उसने नज़र हटा दी, बट एक मिनट की जो घटना है
वो सामने वाले को तो पता चल गई उस राजकुमार के, ये जो राजकुमार है मुझे उसने जो देखा है उसने किस नज़र से देखा है। तो ये एक मिनट की घटना और बाद में वो सब शांत हो गया। पर उसके मन में, राजकुमार के मन में ऐसा हुआ कि मैं क्या देखने आया,